आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाइथन के पांच छोटे छोटे प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। पाइथन के प्रोग्राम में कोई भी हेडर फाइल डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही इसमें वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। इसमें बस सीधा हम प्रिंट करेंगे। चलिए तो मैं आप लोगों को पहले एक प्रोग्राम के द्वारा आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं प्रोग्राम करूँगा हेलो वर्ल्ड का, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाऊँगा। तो चलिए तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ प्रिंट, एंड यहाँ पर कोई भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का आप यूज़ कर सकते हो। मैं सिंपली सिंगल कोट्स का यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। एंड चलिए तो इस प्रोग्राम को मैं रन कर देता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आएगी। और ये आउटपुट आ चुकी है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ रहा है यहाँ पर। ये था हमारा पहला प्रोग्राम, और ऐसे ही हम प्रोग्राम कर सकते हैं और भी। एंड नाउ अब मैं सेकंड प्रोग्राम आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि दो नंबर को मैं यूज़र से लूँगा और उनको मैं सम ऐड करवाऊंगा। ओके गाइस, चलिए तो मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम दिखाता हूँ। उसको प्रोग्राम करने से सबसे पहले मैं वेरिएबल लूँगा। वेरिएबल लेने के लिए मैं सबसे पहले एक फर्स्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और फर्स्ट नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया है। और अब मैं करूँगा इसमें प्रिंट ना, सबसे पहले मैं इसमें इनपुट कराऊँगा क्योंकि मुझे यूज़र से लेना, तो मैं इनपुट यहाँ पर लिखूँगा और यहाँ पर लगा देता हूँ पैरेंथेसिस, और यहाँ पर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगा देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर सिंगल कोट्स यूज़ कर रहा हूँ, चाहे तो आप लोग यहाँ पर डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं इसमें सिंगल कोट्स का यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसमें कर देता हूँ मैं एंटर द फर्स्ट नंबर। एंड अब मैं सेकेंड वेरिएबल ले लेता हूँ सेकेंड के नाम से, एंड इक्वल टू इनपुट एंड पैरेंथेसिस सिंगल कोट्स एंटर द सेकेंड नंबर। ओके गाइस, मैंने ये दो नंबर यूज़र से ले लिए हैं। अब मैं सिंपली इनका सम कराऊंगा। तो सिंपली मैं इनका सम कराने के लिए मैंने एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया है, जिसके अंदर मैं इनका सम स्टोर कराऊंगा। और सबसे पहले मैं इनको लोगों को इंट में कर देता हूँ, इंट फर्स्ट और इंट सेकंड। यह मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रिंग दिखाएगा, ये दो नंबर को स्ट्रिंग करवाएगा। तो जो मैंने कर दिया है, और अब मैं सिंपली प्रिंट कराता हूँ इन दोनों को सम, एंड ये मैंने सम प्रिंट कर दिया है। चलिए तो अब इसकी आउटपुट मैं देखता हूँ क्या आएगी। सबसे पहले मांग रहा है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इज़ 4 एंड सेकंड नंबर इज़ 5 एंड सम इज़ इसका 9 आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, ये था प्रोग्राम दो नंबर को ऐड कराने का। चलिए तो मैं आप लोगों को कुछ और प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। एंड चलिए तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में। एंड नेक्स्ट प्रोग्राम है मेरा कि मैं एक नाम लिखूँगा और उसको मैं कैपिटल लेटर में उसको कन्वर्ट कर दूंगा। स्मॉल लेटर में एक नाम लिखूंगा और उसको मैं कैपिटल लेटर में इसको कन्वर्ट कर दूंगा। चलिए तो मैं आप लोगों को उस प्रोग्राम के बारे में दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगा, नेम नाम का वेरिएबल ले लिया मैंने, और इसमें मैं अब स्टोर करूँगा, कुछ भी स्टोर करा सकता हूँ मैं। चलिए तो मैं इसमें टोनी स्टार्क इसमें स्टोर करा देता हूँ, ये मैंने स्मॉल लेटर में किया है। और मैं प्रिंट कर देता हूँ, और इसमें मैंने एंटर किया मैंने, और इसमें मैं करूँगा अपर केस लिखना पड़ेगा मैंने अपर एंड पैरेंथेसिस। और अब इसमें सिंपली हम इसको रन कर देते हैं, और रन किया तो मैंने अभी ये देखिए अपर लेटर में इसमें लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। और अगर मैं इसी नाम को मैं इसमें कुछ भी जैसे ही फाइंड करूँगा, जैसे कि मैं इसमें फाइंड कर रहा हूँ टोनी स्टार्क में एस फाइंड करूँगा, तो उसका प्रोग्राम कैसे बनेगा? उसमें बस सिंपली कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिंपली बस यहाँ पर आपने फाइंड लिख देना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ। और इसके अंदर मैं वो वर्ड लिखूंगा जो चीज़ मैंने फाइंड करनी है, वो भी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर। तो मैं इसमें एस फाइंड करना चाहता था, तो मैं इसमें एस कर रहा हूँ, एंड अभी मैं इसको रन कर देता हूँ। और मैंने रन कर दिया है, और ये पोजीशन उसकी बता रहा है 5 पोजीशन पे है ये। ठीक है गाइस, और ऐसे ही मैं अगर मैं इसमें पूरा पूरा वर्ड वो देखना चाहता हूँ कि ये वर्ड इसके अंदर है कि नहीं, तो इसका प्रोग्राम ऐसा कुछ बनेगा। सबसे पहले मैं सिंगल कोट्स से डबल कोट्स ले लेता हूँ, और इसमें इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि मैं स्टार्क इसके अंदर है कि नहीं स्टार्क, तो मैं इसमें स्टार्क ले देता हूँ। एंड इन इन नेम, सॉरी गाइस, इन नेम। एंड चलिए तो इसकी आउटपुट देखते हैं कि ये इसमें स्टार्क इसमें है कि नहीं। तो ये ट्रू बता रहा है, इसका मतलब इसके अंदर ये चीज़ है। ओके गाइस, अब मैं नेक्स्ट प्रोग्राम आप लोगों को कराऊंगा कि किसी में कैलेंडर कैसे एक प्रिंट कराते हैं। कैलेंडर प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट कैलेंडर। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और मैंने ईयर मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि मैंने कौन से ईयर का
कैलेंडर प्रिंट कराना है, तो मैं 2023 का करा रहा हूँ। और मैं मंथ ले लेता हूँ कि मंथ मेरा क्या है, मंथ मेरा फर्स्ट मंथ है। और तो मैं यहाँ पर एक वाइल लूप लगाऊंगा, सिंपली वाइल लूप लगा दिया मैंने, और यहाँ पर मैं मंथ प्रिंट करता हूँ। तो अब लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है गाइस। और इसमें मैं कोलन का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इसके अंदर एक ब्लॉक ऑफ हुआ था ना स्टेटमेंट, जैसे कि सी लैंग्वेज के अंदर मैं पैरेंथेसिस लगाता हूँ, तो इसमें सिर्फ इसी का यूज़ होता है, उसको लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक्स इक्वल टू प्रिंट प्रिंट एंड पैरेंथेसिस कैलेंडर डॉट मंथ ईयर मंथ, एंड यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ एक्स को। एंड अब मैं यहाँ पर मंथ को एक एक इंक्रीज करता जाऊँगा 1 के साथ। चलिए तो अब इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आउटपुट आ इसकी आएगी। एंड इसकी आउटपुट आ चुकी है, मेरे मेरा एक कैलेंडर कंप्लीट हो चुका है। देखिए गाइस, अगर आप यहाँ पर किसी एक सिंगल मंथ को आप अगर प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसमें आपको वाइल लूप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ही आप इसको यूज़ कर सकते हो उसका ये भी। एंड इसकी आउटपुट कुछ ऐसी आ चुकी है। और अगर आप लोगों को कोई सा और प्रोग्राम देखना है, तो आप कमेंट में कर दीजिए, कमेंट में भी कर सकते हो आप लोग, और मैं उस प्रोग्राम को करके दिखा सकता हूँ आप लोगों को।